हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है करवा चौथ और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 9 बजे से। हेलो गाइस, कैसे हो आप? हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हो? और खाना खा लिया आप लोगों ने? खाना खा लिया, चलो बाय। देर हो रही है। मेहंदी दिखा दो अपनी, मेहंदी दिखा दो। ये देखो, पूरी देख लो। अरे मुझे बैठ जाओ, इधर इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। गाइस ये देखो चाची, थोड़ी सी नहीं हो रही, चलो थोड़ी सी नहीं हो रही, अब हो गई। चलो बोलो आप गाइस को कुछ बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो? क्या दिखा रहे हो गाइस को? क्या है ये माला? किसकी है ये माला? मेरी। बाहर भी और ये दिन में मेरी और अक्की की मस्ती चल रही है। हमने लाइट लूट सब बंद कर रखी है और लड़ियां जला रखी है। और ये देखो, इसकी मस्ती नहीं पूरी होती पूरे पूरे दिन, और मैं भी इसके साथ ऐसी खेलती रहती हूँ, बच्ची बन जाती हूँ इसके साथ साथ। और अब हम करते हैं तैयारी जो भी होती है व्रत की, और दिखाती हूँ आपको क्या क्या हम कर रहे हैं कैसे। मैं क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे क्या होता है, पर दिखाऊंगी आपको कैसे क्या किया। और ये कुछ इस तरीके से मंदिर मैंने बना रखा है, यहाँ पे फ्रूट वगैरह जो भी है ये रख रखा है। और ये जो ये दिया जल रहा है, ये दिया शाम तक ऐसी जलना चाहिए रात तक। और जो ये ज्वेलरी है ये भी पूजा में रखते हैं, ये गोल्ड की मेरी ज्वेलरी है, और ये सब कुछ भी पूजा में रखते हैं तो मैं इसे रख रही हूँ पूजा में। और ये मैं अपनी शादी की वीडियो देख रही हूँ टीवी में, क्योंकि काम तो अभी कुछ है नहीं, पूजा वगैरह का सारा सामान भी मैंने रख दिया, तो मैं बोर हो रही थी तो मैंने कहा शादी की वीडियो ही देख लेती हूँ तब तक। और ये देखो ऐसा लुक लग रहा है हमारा शाम की कथा के लिए। हम दोनों हो चुके हैं रेडी, कथा पढ़ते हैं। और इस शाम को जब हमने कथा वगैरह सब पढ़ ली थी, उसके बाद हम सारे लोग जल चढ़ा रहे हैं, और ये अब मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए। और साड़ी यार मेरे को, मैं पहनती नहीं हूँ कभी, तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी इस साड़ी में, अजीब सा लग रहा था। तो सब लोगों ने अपना जल जुल चढ़ा के, कोई रील बना रहा था, कोई फ़ोटो शूट कर रहा था। और अब हम भी कुछ थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं इस व्रत को, अभी पूजा करने के बाद थोड़ा सा कुछ खाते हैं, तो थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं अभी हम, और फिर देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या विधि है इस व्रत की, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट है अभी, एक्सपीरियंस ले रही हूँ मैं फिलहाल। और ये शाम का जो भी व्रत कथा पूरी होके हम लोग जल जुल चढ़ा के छत में वीडियो शूट वगैरह कर रहे हैं, फोटो वगैरह खींच रहे हैं। अब कुछ सरगी वगैरह खा लेते हैं शाम। और मैं आई फटाफट से घर, मैंने करा चेंज, अब मैं जा रही हूँ मार्केट दीदी के लिए कुछ लेने के लिए गिफ्ट वगैरह। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट। मार्केट में बहुत चहल पहल है क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है, सारी दुकानें बहुत सज रखी है, और आज तो बहुत क्राउड है मार्केट में, क्योंकि घूमने आ रखे होंगे लोग मार्केट में ना, इसलिए बहुत क्राउड है, ट्रैफिक भी बहुत हो रहा। बट मार्केटें बहुत सजी है, मतलब दिवाली की वजह से ना बहुत सुंदर लग रही है पूरी मार्केट। और मैं पहुंच चुकी हूँ उसी दुकान पे जहाँ से हम लोग कपड़े लेते ही हैं। मुझे लेना था दीदी के लिए सूट, क्योंकि मैं ले नहीं पाई थी जिस दिन दीदी के साथ मार्केट आई थी, उस दिन लिया नहीं था मैंने, तो मैं अभी सूट ले रही हूँ दीदी के लिए। तो मैंने ले लिया है सूट, और किसी और ब्लॉग में बताऊंगी कि कौन सा वाला सूट मैंने दीदी के लिए लिया है। और अभी चलते हैं हम फटाफट से घर, क्योंकि रात भी बहुत हो गई है, ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है, भीड़ भी बहुत है मार्केट में, और मार्केट पूरा ऐसा हो रखा कि जाम से पूरी गाड़ियां जाम हो रखी है। अब चलते हैं घर। और हमने लेते हुए जाना था दूध, तो हम रुक गए डेयरी पे, अब दूध ले रहे हैं यहाँ से, और फटाफट दूध लेते हैं फिर चलते हैं घर, फिर मिलते हैं। और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर। घर आके मैंने धो दिया है हाथ मुंह, और अब मैं हो रही हूँ रेडी। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या पहन रही हूँ अभी। और ये है मेरी ज्वेलरी,
ज्वेलरी पहनूंगी, और ज्वेलरी के साथ साथ ये रखी हुई है मैंने अपनी साड़ी जिसे कि मैं अभी पहन रही हूँ। और अब आपको दिखाती हूँ अपना रेडी होने के बाद वाला लुक कि मैं कैसे लग रही थी। और अब होते हैं फटाफट से रेडी, फिर दिखाती हूँ आपको अपना न्यू लुक। और ये दीदी का लुक था फाइनली, जो ये व्रत पूजने के लिए रेडी हो रखे थे। और ये अक्की का लुक और ये दीदी का लुक। और यहाँ पे मेरी और अक्की की बन रही थी रील, हम रील बना रहे थे, कुछ फोटोज हमने खींचे, हमारी नौटंकी पूरी नहीं हो रही थी और चांद भी नहीं आया था अभी, तो सोचा टाइम पास ही कर लेते हैं। और फाइनली आ गया है चांद और अब मैं पूज रही हूँ व्रत। पहले दीदी ने पूज लिया था, मैं उन्हें देख रही थी कि वो क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद जैसे उन्होंने किया वही सेम मैंने भी किया। और टाइम तो पता नहीं कितना हो रहा, 10, 10:30, 11 बज रहे होंगे, बहुत लेट आया आज चांद। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। यार ना भी आया हो ब्लॉग पसंद तो देख लेना, लाइक शेयर कमेंट कर लेना। और थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मेरी हिम्मत है नहीं ना ब्लॉग बनाने की और ना बोलने की, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।